हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक। तो ये है हमारा पार्ट 1। अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर मैंने इन ब्रशेज़ की अनबॉक्सिंग की है, डिटेल्स वगैरह सब शेयर किया है। सब ब्रशेज़ 16 पीसेज पूरी डिटेल में दिखाए हैं, कैसे दिखते हैं, किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखिए। एंड येस, आज की वीडियो में मैं लुक करके बताऊँगी आपको कि ब्रशेज़ किस तरीके से हैं, अच्छे से ब्लेंड करते हैं हमारे आई शेडो को अच्छे से पिक करते हैं, नहीं पैक करता है, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अपने आई लिड पे कंसीलर अप्लाई कर लेंगे, जो कि मैंने अप्लाई कर लिया है। एज यू कैन सी, अच्छे से अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद पैलेट के लिए यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ब्यूटी का मॉनसून डेजर्ट पैलेट लिया है। ये इंटरनेशनल ब्रांड है, आप इनका पेज चेकआउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इन केस इफ इंटरेस्टेड टू बाय। एंड यस, दे आर हाईली पिगमेंटेड। उसके बाद सबसे पहला ब्रश मैं ये वाला ले रही हूँ, डो कलर का, जो कि है नंबर 8 में। एंड या इस तरीके से है, तो इसको मैं शेड को पैक करूँगी इस ब्रश को यूज़ करके। एंड ये आई शेडो ब्रश है नंबर 8। तो सबसे पहले मेक श्योर करें अपने आईलिड पे कोई क्रीजेज ना हो, एंड देन आई मेकअप को स्टार्ट करें। एंड यस, काफ़ी अच्छा है ये ब्रश, ब्लेंड पैक अच्छे से कर रहा है, पिक अच्छे से शेड किया था उसने। सो हैज़ यू कैन सी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं, ठीक है। सो आप ऑडियंस हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आप मेरी और भी अदर वीडियोस देखते हैं। सो ये कैसे पिक कर रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको आज का ये आई मेकअप यूजिंग दिस ब्रशेस कैसा लगा है। एंड यस, एंड में इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 09 ब्रश लिया है, जो कि ये भी एक आई शेडो ब्रश है। आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं पैक करने के लिए इस तरीके से शेड्स को, एंड ब्लेंडिंग के लिए भी, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स पर ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ब्रश लिया है, जो कि पेंसिल ब्रश है। एंड इसको मैं यहाँ पर एजेस को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें डिटेल में वर्क करना है। अगर हमने यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रश लिया होता तो ये पूरा स्प्रेड हो जाता, ठीक है, आई मेकअप और आईब्रो ख़राब हो जाती हमारी। इसलिए हमें जो भी स्पेस है आई लिड की, उसके हिसाब से हमें ब्रशेस को यूज़ करना होता है। अब मैं सारे शेड्स को अगेन री इंटेंसीफाई कर रही हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो हमने स्टार्ट में किया था वो सारी प्रोसेस हम अगेन कर रहे हैं यहाँ पर यूजिंग दैट सेम ब्रशेस। सो इन केस इफ यू इंटरेस्टेड टू बाय देयर ब्रशेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी गाइज, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड या अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गो एंड फॉलो मी राइट नाउ। उसके बाद नेक्स्ट 04 नंबर का ब्रश लिया है, जो कि कंसीलर ब्रश है। एंड यस, ये सिंथेटिक हेयर है गाइस इन ब्रशेस के। एंड या वुडन हैंडल है, एज यू कैन सी काफ़ी सिल्की है, तो इसे कट क्रीज करके देखेंगे कि कैसा होता है। तो कंसीलर मैंने ले लिया है, एंड आप देख सकते हैं किस तरह की कट क्रीज हो रही है यहाँ पर। वैसे तो मैं प्रो आर्टिका कंसीलर ब्रश यूज़ कर सकती करती हूँ हमेशा, हैज़ यू सी ऑलवेज PF01 नंबर में, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। एंड आई डोंट नो कि ये कैसा वर्क कर रहा है, काफ़ी हद तक तो अच्छा कर दिया है इसने काम। एंड या उसके बाद यहाँ पर मैं अगेन सबसे पहला जो ब्रश लिया था उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ अगेन। एंड यस, ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। एंड हार्श नहीं है ब्रशेस, यहाँ तक अभी तक ब्रशेस काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किया है, पिक कर रहे शेड्स को क्वाइट गुड। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी ये शेड को पैक कर रही हूँ। सो यहाँ के स्पेस को फिल इन करने के लिए ये छोटा सा ब्रश ले रही हूँ, जो कि नंबर 10 है। ये भी आई शेडो ब्रश है, ये डिटेल में वर्क करने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ स्पेस जो होती है हमारी आई लिड के ऊपर, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते बड़े ब्रशेस के साथ, तो ये छोटे डिटेल ब्रश जो होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड जब भी हम कोई क्रिएटिव सा लुक करते हैं तो ये जो डिटेलर ब्रशेस होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं गाइस। एंड ये वाला राउंड शेप ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है, जो कि है नंबर 1। एज यू कैन सी, क्योंकि ये पैक होके आया था, थोड़ा सा ब्रश का जो टेढ़ा हो गया है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये आई लाइनर ब्रश लिया है मैंने, एंड ये थोड़ा सा ना लाइक मेरे ना लोअर लैशेज पर पोक हो रहा था, तो मुझे ये वाला एक ब्रश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि ये इसका जो हेयर है ब्रशेस के, ये थोड़े से पोकी पोकी थे।
सो जो भी है मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू गाइस शेयर कर रही हूँ। बस बाकी सारे ब्रशेज जितने भी मैंने यूज़ किए काफ़ी अच्छे थे, बस ये अच्छा नहीं था। उसके बाद ये काफ़ी ब्रश सॉफ्ट है, इसके ब्रिसल्स ब्लेंडिंग बहुत स्मूदली है। उसके बाद ये और एक पेंसिल ब्रश है जो कि है नंबर 11, ठीक है। इसमें आपको 2 पेंसिल ब्रशेस मिलते हैं गाइस, तो ये 11 नंबर था। एंड उसके बाद फ़ैन ब्रश के हेल्प से मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है, एंड ये बहुत ही क्यूट एंड वन ऑफ माय फेवरेट ब्रश है ये पूरे 16 पीस ऑफ सेट में। एंड इनर कॉर्नर्स पे भी मैंने फ़ैन ब्रश के हेल्प से अप्लाई किया एंड बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया था, एज़ यू कैन सी द पिगमेंटेशन। उसके बाद शुगर का मैंने ये स्केच लाइनर लिया है जो कि वाटर प्रूफ है, उसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने वेरी क्लोज टू माई लैशेस। सो गाइज, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज। उसके बाद मैं ये ब्लेंड करके आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी एंड मस्करा अप्लाई कर लेंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल सा मस्करा है ब्लू हेवन का, बट मेक श्योर आप जब भी इसको अप्लाई करें एकदम केयरफुली अप्लाई करें, क्योंकि आपकी आइज़ में पोक हो सकता है इसके जो ब्रिसल्स है, ठीक है, वो काफ़ी थोड़े से मुझे हार्श लगे, ठीक है, तो बी केयरफुल। उसके बाद हीना हैना ब्यूटी की लैशेस ले रही हूँ, इन केस इफ इंटरेस्टेड टू बाय, उनका भी इंस्टाग्राम पर पेज है, नूर है नेम इनका, आप बाय कर सकते हो, लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे चीक्स के हाई पॉइंट पे, एंड बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया, हाइलाइटर बहुत अच्छे से पिक भी करता है, एंड हैज़ यू कैन सी बहुत अच्छे से अप्लाई हो भी गया है। एंड या आई एम रियली लविंग दिस ब्रशेस, बस एक ब्रश मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी सारे ब्रशेस बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छे हैं। बट कंसीलर के लिए जो ब्रश था वो कट क्रीज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर पाओगे ज़्यादा, क्योंकि प्रिसाइसली वर्क करना होता है कट क्रीज हमें। एंड या बाकी सारे ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, इन केस इफ इंटरेस्टेड टू बाय आई मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सो या इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विद बेल आइकन, एंड या आई सी यू इन माय नेक्स्ट ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो गाइज अगर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो, और वीडियो आज की अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो आपको आज का रिव्यू वीडियो, सो गो एंड सब्सक्राइब विद बेल आइकन। एंड लाइक करना भूलो मत यार, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लुक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल, बाय बाय।